हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर टेक्निकल गुरुजी चैनल। सो चलिए आज हम करने जा रहे हैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर इंटरेस्टिंग नॉलेज जो आप सभी लोगों ने कभी नहीं सुने होंगे किसी यूट्यूब चैनल पर। सो हमारी ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे बेल आइकन जरूर दबाएं। सो सबसे पहले आज का फर्स्ट पॉइंट है कि सबसे पहले यूट्यूब तो आज इतने फेमस हो चुके हैं, हम सभी लोग जानते हैं कि हम लोग सभी इंटरेस्टिंग एनी कॉमेडी वीडियो जैसे बीवी के वाइंस और कोई भी वीडियो सारे जो फेमस हैं सारे हम लोग देख सकते हैं। और किसी भी नॉलेज के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में सर्च मारना होता हो तो हम सबसे पहले यूट्यूब पे जाते हैं और यूट्यूब पर किसी तरह के हम वीडियो देख सकते हैं। बट क्या आप लोग जानते हैं कि यूट्यूब बनाया किसने और यूट्यूब बनाने वाले थे कौन? ऐसे तो हम सभी लोग जानते हैं कि अभी यूट्यूब को ऑपरेट गूगल कर रहे हैं और यूट्यूब गूगल कंपनीज के नाम से जाने जाते हैं। बट आप सभी लोग को ये जानना जरूरी है कि यूट्यूब को गूगल ने नहीं बनाया। यूट्यूब का, हाँ ये अलग बात है कि यूट्यूब को बनाने वाले सबसे पहले कैलिफोर्निया अमेरिका के ही थे, बट अमेरिका के कोई और पर्सन थे। जैसे अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक सैन ब्रूनो की जगह है जहाँ के 3 पर्सन ने यूट्यूब बनाया। जैसे कि उनका फर्स्ट नाम है चार्ड हार्ले, स्टीव चेन एंड जावेद करीम। वो उन्होंने ये तीनों ने मिलकर सबसे पहले यूट्यूब बनाया, जो 2005 में बनाया और फरवरी 2005 में बनाया। बट इसके इन्होंने 1 ईयर ही ऑपरेट किया यूट्यूब को, उसके बाद इसे गूगल ने खरीद लिया और इसे गूगल ने 1.65 बिलियन अमेरिकन डॉलर में खरीदा। उसके बाद गूगल ने इसमें कुछ डिफरेंट चेंजेस लाए। बट ये सबसे पहले ये नोट करने वाली ये बात है कि इसे यूट्यूब को बनाने वाले गूगल नहीं, यूट्यूब के बनाने वाले कोई और थे। और उसके बाद सेकेंड पॉइंट कि यूट्यूब, आज हम सभी लोग जानते हैं कि इंडिया में बहुत सारे यूट्यूब बहुत ही तेज़ी से फैल रहे हैं और क्रेज़ की तरह। आज सभी लोग जानते हैं कि इंडिया में आज बहुत सारे यूट्यूबर हो चुके हैं और इंडिया में हम टेक्निकल वीडियोस और कॉमेडी और फनी वीडियोस बहुत सारे वीडियोस देखते हैं। बट आप लोग ये जानना चाहते होंगे कि इंडिया में यूट्यूब को लॉन्च हुआ या इंडिया में 2 साल बाद 2006 में सबसे पहले गूगल ने खरीदा। उसके बाद इंडिया में 7 मई 2008 को 12:30 में न्यू दिल्ली में वेडनेस डे के दिन गूगल ने लॉन्च किया यूट्यूब इंडिया में। उसके बाद ही इंडिया में यूट्यूब तेज़ी से फैलते गए और आज हम लोग जानते हैं कि यूट्यूब किसी के पहचान बताने की ज़रूरत नहीं है। और एक इंटरव्यू में पूछा गया कि गूगल से, क्योंकि अभी से गूगल ऑपरेट कर रहा है यूट्यूब को, कि यूट्यूब में कितने एम्प्लॉय हैं, तो गूगल ने एक इंटरव्यू में खुद कहा कि हम की क्लियरली तो नहीं, बट उन्होंने एस्टिमेटेड बताया कि गूगल में, पूरे गूगल में 88,110 फुल एम्प्लॉय हैं, फुल टाइम एम्प्लॉय। बट जिसमें से 1,500 एस्टिमेटेड एम्प्लॉय हैं अप्रॉक्स, ये भी एस्टिमेटेड बताए गए हैं, क्लियरली नहीं बट ये एस्टिमेटेड एम्प्लॉय बताए गए हैं यूट्यूब के। तो इतना बड़ा यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, इसके लिए सिर्फ 1,500 मेंबर एंड एम्प्लॉय हैंडल करते हैं इसे। और जैसे कि आप सभी लोग जानना चाहते होंगे कि इतना सारा तो हो गया, बट जानना चाहते होंगे कि इंडिया में की दुनिया का सबसे फर्स्ट हैंड मोबाइल कौन सा था। तो सबसे पहले मैं आप लोग के लिए सेकंड पॉइंट है जो मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले 1979 में निप्पॉन टेलीफोन टेलीग्राफ एंटिटी में फर्स्ट सेलुलर नेटवर्क जापान में लॉन्च हुआ। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि सबसे पहले हिरोशिमा और नागासाकी पे न्यूक्लियर अटैक हुआ था, बट उसके बाद भी सभी आप सभी लोग समझ सकते हैं कि इसके बाद जापान की कंडीशन क्या हो गई थी। बट इसके बाद भी हम सभी, आप सभी लोग को ये बात हैरान कर दी कि जापान ने सबसे पहले हैंड मोबाइल लॉन्च किया, जो 1979 में निप्पॉन टेलीग्राफ टेलीफोन कंपनी ने फर्स्ट सेलुलर नेटवर्क लॉन्च किया और 1983 में डायनामा टेक 8000X में के नाम से एक हैंड मोबाइल लॉन्च किया गया, जिसका वेट था 1.75 पाउंड एंड ये 30 इंच का इसकी हाइट थी एंड 30 नंबर इसकी अप्रोक्सीमेटेड जो नंबर की कैपेसिटी थी वो 30 नंबर थी और ये 10 आवर में चार्ज होता था। जैसा कि आप लोग अगर हम आज के दिन से कंपेयर करें तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग के फास्ट चार्जिंग, क्विक चार्जिंग, बहुत सारे फंक्शन आ चुके हैं वायरलेस चार्जिंग, बट उस समय अगर हमें एक हैंड मोबाइल चार्ज करना हो तो 10 आवर वेट करना पड़ता था। आप समझ सकते हैं ये टाइम बहुत ही काफ़ी डिफरेंस। बट उसके बाद हमारे ये लेटेस्ट मोबाइल आते आते आज इतने लेटेस्ट हो चुके हैं कि जैसा कि आप लोग सभी समझ सकते हैं कितने लेटेस्ट हैं। और इस उस मोबाइल की कीमत थी $3,995। सो और इसके बाद में आप लोग को एक चीज़ और थर्ड पॉइंट जो आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो आप लोग सभी जानते होंगे कि टीवी, आज टीवी ऐसी बन चुकी है कि हमारे सामने LED एंड सैमसंग की एक से एक बहुत सारे फंक्शन वाले टीवी आ चुके हैं। और
कुछ दिन में और भी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले टीवी आएंगे, बट इससे पहले हमें आप लोग को ये बताना चाहूँगा कि टीवी सबसे पहले टीवी कलर टीवी इंडिया में कब लॉन्च हुई। तो कलर टीवी सबसे पहले 15 अगस्त 1982 में इंदिरा गांधी के स्पीच के दौरान उसी समय इंडिया में कलर टीवी लॉन्च हुई, जिसके बाद कलर टीवी इतने तेज़ी से फैल चुके हैं कि आज अब सभी लोग समझ सकते हैं कि कितना कलर टीवी क्रेज आज सभी के घर में कुछ हो या ना हो, बट एक कलर टीवी ज़रूर होते हैं और कलर टीवी और उसके साथ एक मोबाइल। सो आज के लिए इतने, हमारी ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोज़ पाने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे, नीचे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दो, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट जरूर करें, हम ट्राई करेंगे कि मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई दूँ।